सलोक मोहल्ला पहला जे रत लग कपड़ा जामा होए पलेत जो रत पीव है मानसा तेन क्यों निर्मल चेत जे रत लग कपड़ा जामा होए पलेत जो रत पीव है मानसा तेन क्यों निर्मल चेत नानक नाओ खुदाए का दिल अच्छा मुख ले हो अवर दिवाजे दुने के झूठे अमल करे हो मोहल्ला पहला जहाँ नाही ता क्या आखा केहो नाही क्या हुआ किता करना कहया कथना परया पर पर तुआ आप ना बुझा लोक बुझाए ऐसा आगो हुआ नानक अंधा होए कै दसे राह सब समुहाए साथ अग गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा आगो जाप नानक अंधा होए कै दसे राह सब समुहाए साथ अग गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा आगो जाप वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी के फतेह सच्चे पातशाह जबर शतर तख्त दे मालक बाणी दे बोहित गुरता गद्दी विराजमान तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी परम कृपालता सदका इस पाक कड़ियां दा उत्तम समान पंथ वाली धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे महान पवित्र तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे सतसंगत विच बैठण दा सुभाग मिलिया है। सतगुरां जी जिन्हां ते तरस करदे ऐ हजूर उन्हां नूं अपने प्यार दी कणी बख्शिश कर दिंदे हन। इस प्यार दे पदार्थ करके गुरसिख वाहू वाहिगुरु विच अभेद हो जांदे ऐ। गरीब नवाज सच्चे पातशाह ऐसे इस धरती ते हजूर ने चोज वरताए सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं गुरियाई तख्त बख्शिश कीता, आग्या कीती कि भई अज तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज सब दे गुरु होणगे। सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने आप इस अस्थान ते महाराज ज्योति जोत समाए। ऐसा सतगुरु जी का महान पवित्र अस्थान, सतगुरां जी दे पावन तख्त अस्थान ते हजूर दे कमर कसे दे शस्त्र सुभायमान हन। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे पावन अस्थान ते जिन्हां ने रह करके सेवा कीती, उन्हां गुरसिखां दे भी शस्त्र इत्थे तख्त दे उपर सुभायमान हन। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जिन्हां ते रहमत करदे ऐ, उन्हां नूं आप दे चरणां दा सतगुरु जी प्यार लाउंदे ऐ। दूर दरेडे बैठे भी मन करके वह तखत साहब दियां हाजरियां भरदे है। सतगुरु दे पावन दरबार अंदर तुरकी बाणी दी लड़ीवार कथा दा यह समा है। आओ प्यार शरदा नाल महाराज जी दी अमृत बाणी दी कथा मन एकाग्र करके सरवण करिए। सतगुरु जी दे पावन चरणां दा ध्यान करदे हुए आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जे। सलोक महला पहला। सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहिब जी महाराज हजूर श्लोक दे अंदर ये छेवां शब्द सतगुरु जी आरंभ करदे आ। गरीब नवाज सच्चे पातशाह अपने श्री कंठ तो फरमाउंदे आ ये पहले प्रकरण नाल ही साध संगत जी जिहड़ा है शब्द मिलदा है। हजूर ने ये शब्द भी सुल्तानपुर लोधी सतगुरां जी ने उचारण कीता है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह अपने श्री कंठ तो फरमाउंदे हन। जे रत लगा कपड़ा। सच्चे पातशाह जी सवा पैर दी रेंदे महाराज हजूर वेई विच महाराज इशनान करके उत्थे संत घाट गुरुद्वारा साहब है, महाराज उत्थे ध्यान स्थित हो जाया कर दे। साध संगत जी इत्थे महाराज जी दा जो गुरुद्वारा बेर साहब पवित्र स्थान है, इत्थे भी सतगुरां जी ने ये दातन करके ही महाराज जदों लाई सी ते उह बेरी बनी। महाराज सच्चे पातशाह जी हजूर इत्थे बैठिया कर दे। इत्थे इतिहास ने जिक्र करदा कीता है कि मड़ियां बहुत हुंदियां सीगियां। सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर उदासीन चित करके महाराज जदों मड़ियां विच बैठ गए सीगे। सच्चे पातशाह जी महाराज ने इत्थे जदों हजूर ने समाधि ला ली, वेखण वालियां ने सतगुरां जी दे बाबत कई कुछ कहा, क्योंकि महाराज वेई विच जदों गुप्त होए सीगे सचखंड गए। प्रगट हो के सतगुरां जी ने कहा कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं। ते फिर दौलत खां दे कोल भी शिकायत होई। महाराज जदों तीन दिन बाद वेई चो प्रगट होए सी, हजूर ने हट साहब जांदे ही अगे तां 13-13 तोल दे सी ना महाराज,
उस दिन फिर महाराज ने सारी हाटी लुटाती, कहा कि जिस कोलों जिन्ना पदार्थ चक्या जा सकता है, जो कोई ले जाना चाहता है ले जावे। दौलत खान कोल शिकायत गई कि तेरी तां सारी हाटी लुटाती। जदों हिसाब कीता तां सद संगत जी एडा हजूर दा रिद्धी दा बल के वह सारा हिसाब सगों महाराज दे पैसे वध निकले दौलत खान वल। सतगुरां जी ने कहा कि वह भी गरीबां विच लोड़वंदां विच वंड दिते जाण। सच्चे पातशाह जी महाराज इत्थे बेअंत हजूर ने कौतक कीते है। महाराज जदों वही तों परत रहे सी, ये उस काजी दे प्रथाएं महाराज फिर सिख्या दिंदे है। ये काजी ना सतसंगत जी जिहड़ा धर्म दा बाहरों लिबास पा लईए ना ते धर्मी ना होइए, जिहड़ा धर्म दा लिबास है इहदे नाल जीव अपने मन दे औगणां नूं भी सोचदा है कि हुण कज्जे गए है, ते तन दे गुनाह भी कज्जे हुए समझदा है कि ढके गए है। पर सत संगत जी वह मरदे नहीं हन जिन्ना चिर धर्म अंदर नहीं ग्रहण कीता, क्योंकि जिहड़ी मन दी हालत है ना बाहरों धर्मी होण करके सगों उन्हूं वेख नहीं सकीदा, सगों ज्यादा पड़दे पै जांदे है। क्योंकि जिहड़ा कोई पापी पुरख अखवाउंदा है उन्हूं समझ नहीं है, ते जदों किते उन्हूं सतसंगत मिलदी है समझ पै जांदी है, ते फिर वो क्योंकि उन्हूं पता है कि मैनू जानदे है लोग पापी है, ते वो अपने बचन दा सतसंगत विच कोई उपा करदा है। गुरु साहब दे शब्द नाल जुड़ करके फिर उन्हूं अपने मन दी हालत जो मन दी अवस्था है वो दिसन लग पैंदी है। देखदा है कि पाप कर्म तां ये मन कराउंदा सीगा देह दे कोलों, ते पता लगदा कि देह दे वस विच मन है ही नहीं, मन ने सगों देह नूं वसीकार कीता होया है। जदों अपने मन नूं पकड़न दा यतन करदा है, भाव भगती वल लाउण दा कोई यतन करदा है, तां मन तां इन्ना चंचल हुंदा जांदा सगों जागदिया होया तां ओ बड़े कठिन साधना नाल धर्म की प्रेरणा करके लाउंदे है भगती वल मन, पर मन जदों साध संगत जी दे स्थूल शरीर सौंदा है, भाव जदों आराम करदे हां जिहड़ा ये सूक्ष्म शरीर है ना अंदर बाहरों पाप नहीं जे स्थूल शरीर करदा धर्म की सिक्ख्या नाल हट गए हां, फिर ये मन अंदरे ही पाप कर्म की दुनिया रच दिंदा है। जे तां वासना दा प्रभाव ज्यादा है फिर कामक सुपने आउण लग पैंदे है, जे क्रोध दा प्रभाव ज्यादा है उत्थे ही किसी नाल झगड़े ते मार कुटाई करन लग जांदा है। इनू इहदी खुराक नहीं मिल रही हुंदी इस करके मर रहा हुंदा है ना बुरा मन, ते फिर जागदिआं जे नहीं खुराक मिल रही उस मन नूं ते फिर सुते पिया अपनी खुराक दा इंतजाम करदा है। जीव तां सौं गया है कठिन साधना तों, क्योंकि देही दा धर्म है आराम तां करना ही पैंदा है, फिर ये मन लै वड़दा है पापां दे उस फिर नगर दे अंदर, ते तरह तरह दे फिर पाप इनूं चितवाउंदा है। ते जदों गुरु शब्द दा उपदेश सेध ना होवे कोल, फिर साध संगत जी कई वारी इस मार्ग ते चलदा जिज्ञासू सोचदा है कि मैं
बारों जे दे करके कर्म करनो हटिया ते ए की हो रहा मेरे नाल। पर जिन्हों शब्द दा सतसंगत जी प्रकाश शब्द दी सेध मिलदी रहिंदी है, वो एक दिन इस सुपनावी दुनिया दे पापां चों वी फिर बाहर आ जांदा है, सचमुच ही वो धर्मी बन जांदा है। पर जे धर्म दा लिबास पाया है मन तक नहीं पहुंच सकीदा, जे अंदर धर्म नहीं धारण कीता तां सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर तुरे आ रहे सीगे ते काजी ना कुकड़ी नू जिबा कर रहा सीगा, ए कलमा पढ़दे है फिर छुरी फेरदे ढाई छुरियां नल वढ़दे है, ते इउं कलमा फेर रहा सीगा जिवें बिस्मिल्ला कहिंदे आ। बिस्मिल्ला दा अर्थ है कि शुरू करना, परमेश्वर दा नाम जपना, ते इन्हां ने गल वड्डण दा नाम ही बिस्मिल्ला रख लिया। जदों किसे नाल लड़न मी तां कहिंदे तेरा मैं पढ़दा बिस्मिल्ला, भाव मारना तैनू मैं। इस तरह जीआं दे मारन नू नाम बिस्मिल्ला रख लिया है। जदों ये कुकड़ी नू जिबा कर रहा सीगा ते उहदियां ना उहदी तौण हथों छुटने करके ते उहदी खून दीआं छिटां जिहड़ियां सीगियां इस काजी दे वो चोले ते आ करके डिग गई। जिहड़ा खून दा वस्त्रां ते पैणा इहनू काजी लोग बड़ा माड़ा मनदे आ, चंगा नहीं मनदे, अपवित्र मनदे आ। ते उसे समय कहिंदा ओहो मेरा चोला पलीत हो गया, अपवित्र हो गया। अपने नौकर नूं कहिंदा ए जा छेती नाल अंदरों जिहड़ा चंगा चोला वह लै के आ। तो वह जिहड़ा खून की छिट पई वाला चोला सी वह उतार दिता। हजूर ये किरिया वेख करके काजी दी सतगुरां जी ने अपने श्री मुख तो उस समय काजी नूं महाराज उपदेश हजूर ने दिता है। हजूर फरमाउंदे हन जे रात लगा कपड़ा। सच्चे पातशाह जी कहिंदे आ हे काजी जे ये रात खून तेरे कपड़े नाल लग्या है, तेरे जामे नाल लग गया है। जामा होए पलीत। महाराज कहिंदे तेरा जिहड़ा जामा है, तेरा जिहड़ा चोला है ये पलीत हो गया, अपवित्र हो गया है। जो रात पीवे मनसा। ते महाराज कहिंदे ने कि भाई जिहड़े मनुख खुद खून पींदे है, लहू पींदे है, सच्चे पातशाह जी महाराज कहिंदे हन जो रात पीवे है मनसा। जिहड़े मनुख महाराज कहिंदे भाई खून पींदे है तेन क्यों निर्मल चेत। उन्हां दा चेत महाराज कहिंदे भाई किवें निर्मल रह सकदा है, फिर किवें पवित्र रह सकदा। इसे प्रकार ही जो रात जे रात लगा, जे रात लगा कपड़ा। ये काजी जेड़ा है क्योंकि खून दे लगने करके चोले नू अपवित्र मन्या है, बाहरला पाया होया चोला ये अपवित्र मन्या। महाराज कहिंदे जे रात लगन दे नाल खून दे लगने करके जामा होए पलीत। तेरा जामा जेड़ा महाराज कहिंदे जे भाई पलीत हो गया, काजी समझना कर गंदा हो गया ए। जो रात पीवे है मनसा। ते जिहड़ी तू रात पीना है मनुखां दी, मनुखां दी रात की पीनी है। साध संगत जी किसे गरीब तो हक मार लेना, झूठ बोलना, फरेब करना जेड़ा है मजलूम नू उन्नू सगों ही जेड़ा है डन ला देना, ते जेड़ा जुल्म दे करन वाला है उदे कोलों पैसे लै करके उन्नू सच्चा साबित कर देना। ते गरीबां दा जेड़ा साध संगत जी हक मारना ना, ये महाराज कहिंदे भाई मनुखां दा खून ही पीना है। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों
सत संगत जी इत्थे इमनाबाद हजूर आए सीगे ते सतगुरां जी नूं जबरदस्ती ही ओ मलक भागो दे सिपाही लैण आ गए ना। पहलां तां सोचदा सी आउणगे, महाराज गए नहीं, फिर उहने निंदा भेजिया, हजूर कहिंदे उहदे नाल साडा की काम है, महाराज नहीं गए। तीजी वार भेजिया, हजूर ने कहा भाई साडा काम कोई नहीं, उहदे नाल असीं क्यों जाइए। ते भाई लालो दे घर सतगुरां जी ने कोदरे दी रोटी सतगुरां जी छकी सीगी, ते जिस समय मलक भागो दे सिपाही महाराज नूं पकड़ के लै गए, उन्हें कहा जाओ जबरदस्ती लैके आओ। तो सतगुरु जी ने जदों लैण आए कहिंदे महाराज जां तां हुण पकड़ के लै जांगे जां फिर उठ के चल पाओ। सतगुरु जी ने जदों वेख्या कि जबरदस्ती लैण आए है, महाराज साहब जी फिर उठ के चल पए। सतगुरु जी दंभां दा पखंडां दा नाश करन वाले गुरु नानक साहब जी महाराज तुरे जांदे है जिथे मलक भागो दी हवेली है। भाई लालो जी भी मगरे ही तुर पए सतगुरां जी दे वेखण नूं कि महाराज नूं कोई एक इहो जे खोटे बचन ना कहण। सतगुरु पातशाह जी महाराज जदों उत्थे गए बहुत इकट्ठ बड़े ओ धर्मी लोग जिहड़े मलक भागो दे सदे होए भोज ते आए है, बड़ा ही उत्थे चहल पहल है, होर भी लोग इकट्ठे हो गए महाराज दे। इउं सिपाहियां ने जबरदस्ती पकड़ने करके सतगुरु जी कहिंदे हाँ भाई मलक भागो तू सानू क्यों बुलाया। कहिंदा महाराज तुसी मेरे इस ब्रह्म भोज ते क्यों नहीं आए। महाराज कहिंदे भाई ये तैं गरीबां दी रत दा भोजन इकट्ठा कीता सारा, इस करके असी खून नहीं पींदे, पराया हक जिहड़ा है। महाराज कहिंदे ओह तैं सारा मार मार के ते गरीबां नाल धक्के शाही करके धोखे फरेब दे नाल ये माया इकट्ठी कीती है, ते उहदा तूं हुण ब्रह्म भोज जिहड़ा है ओह कर रहा है। साध संगत जी जिहड़ा मरिया होया जानवर हुंदा ना उहनू मुसलमान हराम कहिंदे है, ते आप जिवा करके जींदे नू जिहड़ा मारदे उहनू हलाल कहिंदे है। ते ये काजी सतगुरां जी नू यह भी पुछदा सीगा, क्योंकि कई पुछदे हुंदे है कि जे जिहड़ी है 5 लख दी ठगी मार ली जावे ते उहदे विचों 50,000 धर्म के नाँ ते जिहड़ी उह किरिया कीती जावे, दान पुन कर दिता जावे, ते बाकी 4.5 लख तां फिर पवित्र हो ही जांदा होणा है, क्योंकि इवें समझिया जांदा है ना। उह कहिंदे इक वारी मार लै ठगियां रज के मुड़ के नाम ही जपना है, वह मन नूं मैल ही इन्नी लग जानी, नाम उहने की जपना है। काजी ने यह हजूर नूं पुछया ते सतगुरां जी ने फिर कहा कि भई काजी जिहड़ा मरिया होया जानवर जिहड़ा हराम जिहनूं तुसीं समझदे हो, जे मसाले मसूले पा करके उहनूं बणाया जावे ते उहदा खाणा किदां ठीक है। कहण लगा ना महाराज वह नहीं ठीक। सतगुरु जी कहिंदे भाई इवें जिहड़ा है थोड़ी जी विचों कमाई दा जिहड़ा है वह धर्म दे अर्थ खर्च दिओ, ते बाकी महाराज कहिंदे वह हराम वाली कमाई किवें ठीक हो सकती है, जिहड़े धर्म दे नां ते दान कीती वह तां मसाले पाउण दी न्याई है, ते दूसरी कमाई ठीक हो जाएगी। जे मरे हुए जानवर दा मास नहीं तुहानूं ठीक हराम है, ते ये महाराज कहिंदे भाई किवें हो सकता है। इउं सच्चे पातशाह जी महाराज ने यह गरीब नवाज सतगुरु जी सिक्ख्या देंदे है। महाराज जदों उत्थे मलक भागो दे ये बचन कहे कि तू गरीबां दी रत नचोड़ी है, पराया हक मारिया, मलक भागो ये असी तेरा भोज नहीं सानू परवान, असी नहीं खाणा। कहण लगा मेरी हक दी कमाई है, क्योंकि हुण जिहड़ा अमीर हुंदा है धर्म दे कर्म करदा है ते लोक उहनू जिहड़ा है डरदे होए भी धर्मी कहिंदे है, जिहड़े धक्के नाल ही कई खिताब भी गुरु घरां तों लै लैंदे है, पाप कर्म सिरे दे कीते है ते गुरु घर तों खिताब मंगदे है बहुत वड्डे वड्डे। इस तरह दे हालात बणदे है साध संगत जी। मलक भागो वर्गे ही है। मलक भागो ने कहा कि मैं सच दी कमाई करदा हाँ। सतगुरु जी ने जदों फिर कई इन्हां साखियां ते भी मन विच साध संगत जी किंतु की करना बार बोल बोल के सिखां दे मन ढाउंदे है, सच्चे पातशाह जी ने यह प्रतख करके विखाया सीगा
क्योंकि वो मन्निया नहीं कि तुसी एक नीच दे घर नीवी जात वाले दे घर ठहरे हैं, क्योंकि महाराज साहब भाई लालो दे घरे हजूर रुके सीगे ते जिथे रुकना उन्होंने कहा कि ए बहुत ज्यादा तुसी वर्ण आश्रम दियां ही गंढां तोड़ दित्तियां हन, चंगी गल नहीं तुसां कीती। ता सतगुरां जी ने मलक भागो नूं भाई लालो जी दे प्रथाएं ए दस्या सी कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डिया स्यों क्या रीस, जिथै नीच समालियन तिथै नदर तेरी बख्शीश। ये भाई लालो दे प्रथाए महाराज ने शब्द कहे सीगे। महाराज ने कहा फिर जदों जिहड़ा सी किंतु कीता कि तुसी उत्थे क्यों ठहरे आ, महाराज कहिंदे चंगा भाई जे तुसी वेखना चाहुंदे हो तुहानूं दिखा दिंदे आ। हजूर ने कहा भाई लालो जा अपने घरों एक रोटी चक लिया। भाई लालो जी भज के गए अपने घरों एक प्रशादा जिहड़ा सी मिसा वह चक के लै गए, रुखा मिसा वह प्रशादा कुदरे दी रोटी। जदों सतगुरां जी ने कहा कि लिया मलक भागो तेरिया पूड़ियां तेरा किथे है भोज, लियांदा उन सामने परोसिया। सतगुरां जी ने एक हाथ विच भाई लालो दी वह कुदरे दी रोटी पकड़ी, दूसरे हाथ विच महाराज मलक भागो दी वह संनिग्ध भोजन पूड़ियां जिहड़ियां सी पकड़ियां। जदों हजूर ने दोवां हथां नूं कुटिया ना ते भाई लालो दी उस कुदरे दी रोटी विचों दुध निचड़िया ते मलक भागो दे उस ब्रह्म भोज दे विचों साध संगत जी खून कढ दिता। सच्चे पातशाह जी ने प्रतख दिखा दिता गरीब नवाज ने चौजी पातशाह जी नूं की औखा सी ये अंदरली किरिया बाहर प्रगट करके विखाउणी। महाराज ने कहा वेख हक सच दी कमाई है मलक भागो, सारा दिन किरत करदा है मेहनत करदा है, दोवें वक्त प्रभु का नाम जपदा है, इहदा भोजन अमृत बन चुका है। महाराज ने प्रतख दिखाया सच्चे पातशाह जी ने। हजूर कहिंदे मलक भागो ये तू गरीबां दा हक मारिया है, जे जिन्नी जिस दी बनदी होवे तनखाह उहदे विचों आप खा के उहनूं थोड़ी देवे ये साध संगत जी उहदा दूसरे का हक मारना है, पराए का हक मारना उहनूं बनदा जिहड़ा उहदा हक ना देना। सच्चे पातशाह जी महाराज ने वह सारा जिहड़ा खून का दृश्य जदों दिखाया वेखण वाले लोग हैरान हो गए। महाराज साहब जी सतगुरु जी उत्थों चल पए, कोई अगे ना खलोता, भाई लालो महाराज के पिछे पिछे चल पिया। सतगुरु जी ओही ही कथन करते हुए स्पष्ट काजी नूं कर रहे हैं कि काजी जिहड़ा गरीबां का हक मारना है ना, वह महाराज कहिंदे भाई तू मनुखां का खून पी रहा है, गरीबां का हक मारन रूपी खून जिहड़ा तेरे अंतशकरण रूपी चोले नूं लगा होया है। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे जो रत पी बह मानसा, जिहड़ी तू रत पी रहा है मनुखां दी गरीबां दा हक मारन रूप। तेन क्यों निर्मल चेत, महाराज कहिंदे सानू भाई ये दस सा उन्हां दा जिहड़ा है चित फिर किवें निर्मल रह जांदा है, तिन्हां दा चित किवें अंतशकरण किवें पवित्र रहिंदा है। बाहरों तेरा चोला तां गंदा हो गया ते तू बदल लिया है, पर देख अंतशकरण दे अंदर जिहड़ा सारे जीआं दे पराए हक दा मारना है, जिहड़ा पराया हक जिहड़ा खाना है गरीबां दी जिहड़ी तू रत पीती है, फिर चित किवें निर्मल रह जावेगा। चित नहीं साध संगत जी फिर निर्मल रहिंदा, पवित्र नहीं रहिंदा, वकार ही वकार उस चित दे अंदर हुंदे जिहड़ा पराया हक खांदा है। उहदा मन कदे भजन विच नहीं लग सकदा। जिहड़े अपने क्योंकि कई नौकर चाकर रखदे है, फिर अमीरी दा साध संगत जी बड़ा विखावा भी है, पर की है जिहड़े गरीब दा अपने नौकर दा हक मारदे है ना, सच्चे पातशाह जी महाराज कहिंदे भाई उहनां दे चित अत मलीन हुंदे है, क्योंकि पराए हक दे मारने करके ये हजूर कहिंदे रती है लहू ही है अंतशकरण रूपी चोले नूं लग जांदा है। उन्हां दा चित महाराज कहिंदे भाई किवें निर्मल ते पवित्र रह सकदा है। नानक नाओ खुदाए का, ते फिर काजी कहिंदा महाराज असीं खुदा दा नाम किवें जपीए, फिर खुदा दे नाम नूं जप करके असीं पवित्र कर लैने अपना हिरदा। महाराज कहिंदे भाई काजी जदों खुदा दा नाम जपीए
जे खुदा दा नाम जपना करिए ता दिल अच्छा मुख ले हो। महाराज कहिंदे भाई साफ दिल नाल अपने मुख तो लेना चाहिदा है, ये नहीं के मुख में राम राम ते बगल में छुरी। जिहड़ा है साध संगत जी कई राम दा नाम गलवड़न वास्ते ही लेंदे है, बाहरों दिखावा करदे है, बड़ा ज्यादा प्रगटावा करदे है धर्म दे चिन्ह पहनण दा धर्मी होण दा, पर सच्चे पातशाह जी महाराज कहिंदे भाई हालत वेख लो इहो जी है काजी, जे रब दा नाम लैणा परमेश्वर दा नाम लैणा ते दिल विच ही जे मैल भरी हुई है। क्योंकि साध संगत जी कई इउं ही प्रश्न करदे है कि फिर दिल दे अंदर तां मैल ही है ते परमेश्वर दा नाम किवें जपीए, क्योंकि जप के ही परमेश्वर दा नाम दिल दी मैल लथदी है ना। साध संगत जी पहला प्रयोजन वेखीए कि नाम जपया क्यों जा रहा है। पहला तां जिहड़ा धर्मी विखावे दा हुंदा ना वह साध संगत जी दूजियां नूं उपदेश दिंदा है, आप नहीं कमाउंदा। ये महाराज कल कहा सी ना, इसे तरह सच्चे पातशाह जी कहिंदे भाई जदों नाम जपण वास्ते शुरुआत करिए भावें कि दिल दे अंदर मैल ही है, पर उस समय इच्छा लै करके कि महाराज मेरे मन की मैल धुप जावे, उदों वो इच्छा शुभ है कि अंदरों अपनी मैल नूं धोण वास्ते अपने गुनाहां नूं नाश करन वास्ते पापां नूं नाश करन वास्ते परमेश्वर दा नाम जपना शुरू कर दिता, ते जिस जिस फिर जपया पूरे गुरु जी दी कृपा नाल उहदे सारे गुनाह महाराज नाश करते, सारियां मैलां धो दित्तियां। ते हुण जिहड़ा नाम जपण दा दिखावा करदा है चित दे अंदर मैल भरी हुई है, ते सतगुरु जी कहिंदे भाई शुभ इच्छा दे सहत तां नाम जपीए तां भाई खुदा दा नाम जपिया जा सकदा है। सतगुरु जी ने कहा है कि जिहड़ा है फिर पंक्ति पढ़ दिओ, दिल अच्छा मुख ले हो। महाराज कहिंदे भाई दिल तों अच्छे दिल तों चंगे दिल तों साफ मन तों, क्योंकि इच्छा शुभ रख करके कि महाराज मैनू माफ करो, मेरे पिछले गुनाह माफ कर दिओ, अगे तो मेनू मार्ग पाओ। सचे पातशाह जी कहिंदे भाई इउं नानक नाम खुदाए का, इउं खुदा दा नाम जिहड़ा ना सचे पातशाह जी कहिंदे दिल हच्छा मुख ले हो, साफ दिल नाल हच्छे दिल नाल हजूर कहिंदे भाई अपने मुख तो जिहड़ा है वह काजी साहब उचारण करना करो। अवर दिवाजे दुने के होर ता महाराज कहिंदे भाई दिवाजे दिखावे ही हन सारे दुनी दे दुनिया नूं विखाउण दे, बाकी ता सारे दिखावे ही है। दिल नूं अंदरों वाहिगुरु जाणदे है कि जो अंदर भावना है उस नूं महाराज बुझदे है, बाहरों जिहड़ा भी जो कुछ साध संगत जी ए वेखण नूं प्रतीत हुंदा है ना, सचे पातशाह जी कहिंदे होर सारे तां पखंड ही हन दिखावे ही हन दुनिया नूं दिखाउण वास्ते। झूठे अमल करे हो होर सारे अमल जिहड़े कर्म हन ना महाराज कहिंदे भाई झूठे ही है, जिहड़े दिखावे दे कर्म हन ना महाराज कहिंदे झूठे हन। सिर उपर नूं करके भाई कथा सुनो, फिर मैनूं ऐउं लगदा जिदां तुसीं सौने आ। तो इस प्रकार सचे पातशाह जी महाराज हजूर फरमाउंदे फिर पढ़दे हो, अवर दिवाजे दोने के झूठे अमल करे हो। महाराज कहिंदे झूठे ही अमल कीते हुए है, होर सारे नाम जपण तो बिना सच्चे दिल तो जे नाम नहीं ना जपिया ते हजूर कहिंदे भाई दुनिया दे विच सब दिखावा ही है, पखंड ही है सारा कुछ। दिल दी प्रीत तो जे महाराज दा नाम नहीं जपिया, अच्छे दिल तो दिल नूं साफ करके महाराज कहिंदे इच्छा शुभ लै करके वाहिगुरु दा नाम नहीं जपिया, ते सारे महाराज कहिंदे दुनिया दे अंदर दिखावे ही हन। जिन्ने भी अमल करदा है ना जीव वह सारे झूठे ही है, क्योंकि दिखावे वास्ते हथ विच माला फड़ी होवे, धर्म दा लिबास पाया होवे, ते फिर साध संगत जी उहदे नाल जीव दा भला किवें हो सकदा है। सच्चे पातशाह जी कहिंदे फिर जिन्ने भी जीव अमल करदा है ना कर्म करदा है वह साध संगत जी कोई भी सच्चा नहीं हुंदा, क्योंकि उहदे कर्मां दे विच भी मैल भरी हुंदी है,
अंदरों दी लालसा गरीबां नूं ठगण दी है, पराए हक दे मारन दी है, लोभ ते लालच वाली है अंदरली इच्छा। ते सच्चे पातशाह जी महाराज कहिंदे भाई फिर किवें उहदा जिहड़ा है कर्म कबूल पै जावेगा। नहीं महाराज कहिंदे भाई ये झूठे ही सारे दिखावे हन दुनिया दे अंदर। जिहड़े महाराज कहिंदे कर्म भी करदा है, जिहड़े अमल करदा है वह भी झूठे हैं। महाराज कहते दिखावा ही है सारा कुछ। महला पहला पहले पातशाह तुहानू गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं जाहो ना है ता क्या आखा। एक काजी कहता महाराज तुहानू इन्नी अवस्था उची किवें प्राप्त होई है? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆਖਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋ ਨਾ ਹੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਆਪ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ महाराज कहते असी पहला भी कुछ नहीं सी ते अगे नू भी की होवांगे। फिर किता करना कहया कथना। वाहिगुरु जी दा महाराज कहते भाई जो हुक्म कीता होया ना सानू असी ता ओ करना है। परमेश्वर दा हुक्म की कीता है? परमेश्वर दा हुक्म है महाराज सचे पातशाह नू सारे जगत नू तारन दा। सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कीता करना, जो वाहिगुरु ने सानू हुक्म कीता है ना असी ओ करना है, ते जो कहा है ओ कथन करांगे बाणी द्वारा। भरिया भर भर धोवा, जिहड़ा अंतशकरण भरिया होया ना पापा नाल महाराज कहिंदे भाई ओनू भर भर के इउं सतगुरु जी कहिंदे भाई नाम जल नाल धोणा करिए। आप ना बुझा लोक बुझाए। महाराज कहते काजी आप ता कोई गल बुझी नहीं, जानी नहीं खुदा दे मार्ग दी। ऐसा आगो हुआ, आप ना बुझा, आप नहीं बुझिया खुदा दे मार्ग नू, ते लोक बुझाई, लोकां नू संसार नू बुझाउंदा है, जणाउंदा है कि खुदा एवें मिलदा है। कई ना साध संगत जी बड़ा दसणगे कि दसम द्वार की अवस्था आ हुंदी है, इवें त्रिकुटी खुलदी है, बहुत सारे इउं राह दसदे है, ते बाहरों जिहड़ा है क्योंकि लोग पुछदे आ करके कि संत जी है इन्हां नूं पता होऊगा। महाराज कहिंदे भाई आप ना बुझा, आप तां बुझे ही नहीं कुछ, पता ही नहीं कुछ भी। जिन्हां नूं सगों पता हुंदा है ना उन्हां नूं जे कोई जिग्यासा धार के पुछे, पूर्ण जिग्यासु बन जे, तो फिर तो भावें दस देण, ते नहीं तो वह कहिंदे महाराज सानू नहीं पता। ये तो सतगुरु की कृपा है ना, जिहदे महाराज उपर रहमत कर देण, तरस कर देण, ते सच ही कहिंदे आ कृपा नाल ही सब कुछ प्राप्त हुंदा है। महाराज कहिंदे भाई जिहड़ा धर्मक आगू बनिया आप ना बुझा, आप तो कुछ बुझिया ही नहीं, जाणिया ही नहीं कि मैं की हाँ, कित्थों आया, किधर नूं जावांगा, ते लोकां नूं बजाउंदे आ जणाउंदे आ कि इस तरह प्राप्ति हुंदी है, इउं कर्म करना चाहीदा, ये साधन करना चाहीदा। हजूर कहिंदे ऐसे ऐसा आगू होवां, असीं भाई इहो जे आगू नहीं होवांगे। ये काजी तूं ऐसा आगू होवां, ऐसा आगू बन रहा है। नानक अंधा होए कै दसे राह। महाराज कहिंदे भाई जे कोई अन्ना होवे ते सारिआं नूं आवाजा मारे कि आओ मैं तुहानूं राह दसदा हां, राह पा दिंदा हां। सब सो मुहाए साथ है। ओ महाराज कहिंदे भाई सारिआं नूं फिर जिहड़ा साथ जिहड़ा ना उहनां सारिआं नूं मुहा दिंदा है, भाव लुटा दिंदा है, उन्हां नूं मी टोए च ही महाराज कहिंदे भाई सिट दिंदा ऐ। अगे गया मोहे मोहे पाहे, ते अगे गया फिर महाराज कहिंदे भाई मूंह मूंह ते चोटां खांदा ऐ। सो ऐसा आगू जापै, ऐसा आगू महाराज कहिंदे भाई उथे जाणिया जांदा है कि किहे जे आगू सीगा, उथे जा करके महाराज कहिंदे भाई जाणिया जांदा है। इसे प्रकार आरंभ तो ये शब्द जे रत महला पहला जाहौ नाहे ता क्या आखा। सच्चे पातशाह जी महाराज कहिंदे जाहौ नाही ता क्या आखा। ऐ काजी जां असीं कारण दे ही नहीं हां,
ते फिर की आखीए कि असी सूक्ष्म शरीर आ। महाराज कहिंदे भाई जदों कारण दे ही ना जां हो ना ही जां हो हंगता है ही नहीं कारण दे दी तो महाराज कहिंदे भाई की आखना करिए सूक्ष्म दे बारे के हो ना है क्या होवा। महाराज कहिंदे भाई स्थूल दे भी फिर किवें हो सकती है जदों कारण दे नहीं सूक्ष्म दे नहीं तो महाराज सचे पातशाह जी कहिंदे फिर पढ़ो कि हो ना ही जाहो ना है ता क्या आखा क्यों ना है क्या होवा। क्यों ना ही क्या होवा जे थूल दे ही नहीं हां ता फिर की होवांगे अगे नूं में जदों कारण दे नहीं असी होए ते फिर सूक्ष्म शरीर नहीं असी बने ते थूल दे भी नहीं होए ते फिर अगे नूं की होवांगे। महाराज साहब जी दसदे आ कि हंगता तो रहत होने की अवस्था महाराज दसते हैं जो काजी पुछदा कि तुसी की हो तो महाराज कहिंदे भाई असी कारण दे भी नहीं हाँ सूक्ष्म दे भी नहीं हाँ ते थूल दे भी नहीं हाँ। महाराज कहिंदे हन फिर पंक्ति पढ़ो स्पष्ट होवे अर्थ जाहौ नाही ता क्या आखा। महाराज जाहौ नाही हजूर कहिंदे जाहौ असी नहीं हाँ कारण दे ता की आखना करिए तेनू अपने बारे केहो ना है क्या हुआ। केहो ना ही महाराज कहिंदे भाई फिर असी किसे प्रकार भी थूल दे भी नहीं हां ना कारण दे हां ना सूक्ष्म दे हां ना थूल दे हां ते क्या होवा। फिर महाराज कहिंदे असी की होना सी भाव हौमे ता हौ कुछ भी नहीं है। किता करना कहया कथना। महाराज कहिंदे भाई जिहड़ा वाहिगुरु ने कीता है ना हुक्म ओदे हुक्म दे अनुसार ही जीवां ने करना है ते ओदे कहे दे अनुसार ही सतगुरु जी कहिंदे भाई कथन करदे है जीव। गरीब नवाज सचे पातशाह जी कहिंदे परमेश्वर दे कहे तो बिना कोई की कथन कर सकदा है इसे प्रकार ही जाहौ। जाहौ नाही ता क्या आखा। महाराज कहिंदे भाई जा अंदर हौ हंगता रहिंदी नहीं ते फिर किसे ने आखना की है के मैं कौन आ ते तू कौन है की अपनी पहचान दसनी है जदों हंगता ही नहीं अंदर रही हौ ही नहीं रही ते जदों हौ नहीं ना रहिंदी फिर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। महाराज कहिंदे जा अंदर हौ है ही नहीं ते काजी तेनू की दसीए कि असी कौन हां। केहो ना है क्या हुआ। महाराज कहिंदे भाई असी पहला कुछ नहीं बने ते अगे नू फिर की होवांगे। जेड़ा जीव साध संगत जी कुछ बनन दा यतन करदा ना ओ फिर अगे नू भी होण दा ही यतन करदा रहिंदा अपनी देह नू रखण दा ही यतन करदा रहिंदा ते देहां किहदियां रहियां हन। सचे पातशाह जी महाराज कहिंदे भाई ये देह दी हंगता दा कारण नहीं है कि जीव अपना आप जणाउंदा है। महाराज कहिंदे भाई जेड़ा पहलो नहीं कुछ बनता वह अगे नी उस की होना फिर ओदा जदों कोई भी साध संगत जी सरूप नहीं बनया वह ब्रह्म रूप हो जाता है परमेश्वर दे स्वरूप विच अभेद हो जाता कथना। महाराज कहिंदे भाई जीव वाहिगुरु का कीता होया ओदे हुक्म विच जीआं ने कर्मां नू करना है जो परमेश्वर ने कहा है ओदे मुताबक ही महाराज कहिंदे भाई असी कथन कीता है। जिन्नू पता लग गया ना कि मेरा रिदा भरिया होया गुनाहां दे नाल ओ फिर साध संगत जी सत संगत रूपी नदी ते आ करके ना साध संगत जी भर भर के नाम जल नू पा पा करके अभ्यास दियां मुकियां ला ला करके निश्चय रूपी पटड़े दे उते पटक पटक के अपने मन नूं ते फिर साध संगत जी ओ धोंदे है नाम जल नूं पा पा करके। सचे पातशाह जी महाराज कहिंदे भाई इउं अंतशकरण रूपी वस्त्र नूं जिहड़ा भरिया होया महाराज कहिंदे पापां दी मैल नाल भरिया भर भर धोवां ओहनूं भर भर के नाम जल पा पा करके भरे होए पापां वाले अंतशकरण रूपी वस्त्र नूं हजूर कहिंदे भाई धोना करिए अपना बुझा लोक बुझाए। अपना आप तां बुझया नहीं अपना स्वरूप के मैं की हां अपनी अंश नूं नहीं जाणिया कह कबीर इहो राम की अंश ते लोकां नूं बुझाउंदा है कि तुसी भाई परमेश्वर दा ही स्वरूप हो
सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म तो बिना कुछ भी नहीं, ये वेदांत द्वारा कथन करता है। ते आप रसां कसां च मन फसिया होया है, भोगां दे भोगण विच लगा होया है। हजूर कहिंदे आप बुझिया नहीं ते लोकां नूं बुझा रहा है, दस रहा है। कई इओ साध संगत जी बड़े जिहड़े आ उह जिहड़े शिविर आदिक लाउंदे हुंदे आ कि बड़ा असी जिहड़ा है ध्यान साधना टिकाउंदे आ, आओ दसीए तुहानूं ध्यान किवें लगदा है, किवें रोशनी दिसदी है। वह बल्ब जगा जगा करके रोशनियां दिखाते रहिंदे आ, ते पता आप नूं कख नहीं है, ते माया कठी करन दा प्रयोजन है बस, होर कुछ भी नहीं है। माया इकट्ठी करन दे वास्ते लगे हुए है, ते ध्यान आपदा नहीं टिकिया, कदे अंदर नूं अंतरमुखी बिरती होई नहीं, ते दूसरे नूं ध्यान टिकाउणा दसना बड़े जिहड़े आ उह लाउणे इस तरह शिविर आदिक कि आओ दसीए तुहानूं ध्यान किवें लगदा है। साध संगत जिन रोज गुरबाणी कीर्तन सुनना है, रोज कथा सुननी है, ते आप अमृत वेले उठ के नाम जपना है, उन्हूं ध्यान दा मार्ग उन्हूं ही पता लगदा है गुरु जी ये शब्द दी कमाई नाल। होर एवें गल्लां ही आ, महाराज कहिंदे भाई आप ना बुझा, आप तां बुझिया कोई नहीं, आगू बन गए ते लोक बुझाई है, बुझाई महाराज कहिंदे लोकां नूं बुझाउण दा समझाउण दा दावा करदे आ कि असीं लोकां नूं राह दसदे आ परमेश्वर नूं मिलण दा। तो बड़े बड़े साध संगत जी उन्हां मठ बनाए आ, बड़े उन्होंने आले दुआले अपना जिहड़ा है वह टकवाज रचिया है, बड़े लोग विचारे भुले भटके चले जाते हैं, कई एह जे ढीठ मगर लग जाते, कई ने मां जी रोशनी वेखी अखा बंद करा के, उन्हों की पता है कि अखा बंद कराती हैं तो सामने की कर रहे है, वह इन्नी तेज धार बल्ब की रोशनी पाते हैं तो फिर बंद कर देंगे थोड़े चिर पा के, तो उन्होंने कहें हूँ अखा खोल, तो जो अखा खोलदा कहिंदे की तेनू मत्थे च प्रतीत हो रहा, कहिंदा वो जिहड़ी रोशनी साध संगत जी अखा बंद तो भी बहुत ज्यादा जे बजे ना ते अखा दे खोलण तो भी वह रोशनी का प्रभाव रहिंदा, जिवें सूरज वल वेखो थोड़ा चिर ते वेख के फिर अखा बंद कर लो, तुसीं इवें प्रतीत करोगे वह गोली जी सूरज की दिस रही है, जिवें मस्तक ते अखा दे अंदर इस तरह महसूस करोगे। वह कहिंदा मैनू इस तरह दिस रही है, कहिंदे बस हो गया ज्ञान तेनू के, यही है बस, कहिंदे ध्यान बस हुण तू इत्थे ध्यान टिकाए, तेनू दिखाउणा सी एक वारी, हुण तू आप इहदे तक पहुंच। इस तरह दे पखंड करदे आ बहुत सारियां ये गल्लां साध संगत जी लोकां नूं भरमाउण वास्ते। महाराज कहिंदे भाई आप ना बुझा, आप नहीं बुझिया कुछ भी कि मैं हां की कित्थों आया किधर जावांगा, ते लोक बुझाई लोकां नूं बुझाउंदा समझाउंदा है कि महाराज इवें मिलदे आ, इवें ज्ञान हुंदा, इवें दसम द्वार खुलदा है। ऐसा आगू होवा, महाराज कहिंदे हे काजी तूं ऐसा आगू होवा, ऐसा आगू बन रहा है, क्योंकि धर्म की व्यवस्था जो काजी दसदा सीगा कि अल्लाह नाले ओ मिलिया जांदा है, कुरान शरीफ दी आयतां आ कहिंदियां ने, आप कख भी नहीं कमाया। यो साध संगत जी बाणी दे शब्दां दा उपदेश दूसरियां नूं तां देईए कि भाई इवें महाराज कहिंदे आ, इवें आग्या करदे आ, आप कमाईए ही ना, आप महाराज दी सिख्या नूं धारण ही ना करिए, ते ये साडे लाणे दी वी साध संगत जी यही हालत है कि असीं कथावाचक दूसरे नूं दसी जांदे आ कि इवें महाराज दसदे आ, इवें सिख्या दिंदे आ, आप कमाई तो सखणे आ। महाराज कहिंदे भाई ऐसा आगू होवां, ਇਹ ਜੇ ਆਗੂ ਤੂੰ ਕਾਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਕੈ ਦੱਸੇ ਰਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਧਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਘਰੋਂ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਭਟਕ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਚ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਸ ਜੰਗਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਚੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਚੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਚੂਰੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਟੋਏ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਪਿਆ।
वो कहन लगा तू मेनू चंगा राह दिखाया कि मेनू इस टोए च सिट दिता ई। कहिंदा तेनू नहीं सिटिया, मैं भी नाल ही डिग्गिया वा। कहिंदा तू किवें डिग पिया? कहिंदा मैं भी अन्ना। तो कहिंदा तू मेनू राह क्यों दस्या ई? फिर राह दसण दा दावा क्यों कीता? कहिंदा चूरी दे लालच करके, भुख लगी सी मेनू ते मैं ता चूरी खानी सी, इस करके चूरी दे लालच करके तेनू राह दसण दा दावा कर लिया। दिसदा तां मेनू भी नहीं है, इसे करके दोवें डिगे। हुण तू चिंता ना कर, दोवें ही है इत्थे ही है। इह साध संगत जी की है कि वह आप तो अन्ने है, बराग ते जिहड़े साध संगत जी विवेक दे नेत्र है नहीं गे, वह झूठे गुरु बने बैठे है, झूठे आगू बने बैठे है। तो यह नेत्र तो उन्होंने मन बुद्ध रूपी है नहीं गे। तो की है कि लोगों नू दावा करदे असीं तुहानू राह दिखावांगे, मुक्त करांगे, मगर उन्होंने लै तुरदे है कादे वास्ते? उन्हां कोलों पदार्थां रूपी चूरी नू लैण वास्ते। तेनू इस तरह प्राप्ति करा दांगे। कई ना शिवरां दे रेट रखे हुए है कि मैं आप वेख्या साध संगत जी उन्हां नू कि 5-5 हजार 10-10 हजार रुपया लोग दे के ते उत्थे टिकट लैके अंदर जांदे आ कि जी ध्यान साधना वास्ते चले हैं। ते गुरबाणी दी कथा जिथे मुफ्त सुनन नू मिलदी है, सगो लंगर फ्री मिलदा है, ते पता ही नहीं, मुल ही नहीं पता है, ते उत्थे इन्ने इन्ने पैसे खर्च के जांदे, इन्नियां इन्नियां टिकटां खर्च के लोग जांदे है। तो फिर साध संगत जी उन्हां कोल वेख लो, वह चूरी रूपी पदार्थ, चूरी रूपी माया लैण वास्ते ही उन्होंने टकमंज रचिया होया है। तो जेडे फिर इहो जे अन्ने गुरु दे आखे लग करके महाराज कहा है कि भाई अंधा होए कै सो दस, जिहड़ा है जिहड़ा अन्ने दे आखे लग करके अन्ना ही होवे जिहड़ा जावे। तो महाराज कहिंदे होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए, अंधा कै राह है दस्या। क्योंकि पिछे थोड़ा जा कोई बोल पे ध्यान उखड़ जाता है, प्रमाण चेते जदों आउंदा है साध संगत जी, ध्यान कथा दे अंदर जे एकागर होवे ते तां ही कथा हुंदी है। महाराज कहिंदे अंधा कै राहे दस्या होए, महाराज कहिंदे भाई अंधा होए सो जाए, जिहड़ा अन्ना होवे ओ ही जाए ना। होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए, जिहदे कोल थोड़ी निगाह है, जिन्हों पता है धर्म की बाबत, वह साध संगत जी अन्या गुरुआ दे आखे लग करके वह नहीं नरकां रूपी टोए च जा करके डिगदे। ते जिहड़े बिल्कुल ही अन्ने है, पता ही नहीं कुछ, सचे पातशाह जी महाराज कहिंदे भाई वह एहो जे अन्ने गुरुआ दे पिछे लग करके तुर पैंदे है। ते गरीब नवाज सतगुरु जी इत्थे फरमाउंदे हन, नानक अंधा होए कै दसे राह। महाराज कहिंदे अन्ना हो करके भाई राह जिहड़ा है लोकां नूं दसण लग पए, आप कोल बराग ते विवेक दे नेत्र नहीं हन, मन ते बुद्ध रूपी नेत्र नहीं हन, ते दसे कि लोकां नूं आओ मैं तुहानूं परमार्थ दा राह दिखाउणा हां, आओ दस दें परमेश्वर किवें मिलदा है। महाराज कहिंदे जिहड़े जिहड़े उहदे साथी है ना, फिर उहदे मगर लगणगे, उहनां सारिआं नूं मुहा देगा, लुटा देगा, उह सारे वकारां च ही लुटे जाणगे, पता ही नहीं। क्योंकि दस किवें सकदा है, अन्ने नूं दिसदा ही नहीं जदों। ते साध संगत जी जिहदे अंदरले चक्षु नहीं खुले, दिव दृष्टि नहीं जागी है, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ। ਕਾਜੀ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲਟਾ ਦੇਗਾ ਕਾਜੀ, ਦੋਜਕਾਂ ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਹੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਿਲਬਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਰਨ ਦਾਸੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮਾਰ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਖਾਏ, ਮਾਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਪੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਸੈਂ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੇਬ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਸੈਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ
कि अज दे समय विच भी वेखीए ते ए कोई साडा कहना नहीं है कि जिहड़े कोई थोड़ा बहुता धर्म दा ज्ञान रखदे आ ना जां चंगी राजनीति दा ज्ञान रखदे आ ओ कहिंदे भाई जिड्डा वड्डा बदमाश ओडा वड्डा लीडर बनदा है अजकल। इहो जी हालत है भारत देश दी कि जिड्डा वड्डा बदमाश होवे ओडा वड्डा ओ लीडर बन जांदा है ते दसो लुकाई दा की हाल होवेगा, कित्थों न्याय दी कोई आस करेगा। इसे करके सारे साध संगत जी जेड़े है ना वो इहो जिहे रूप धारण करके भ्रष्ट लीडरां दे करके सारी जेड़ी प्रजा वी शंकर वर्णी होई पई है। पाप दा ही बोल बाला है, जेड़ा जिन्ना वड्डा पापी ओदी उन्नी ज्यादा चलदी है, उन्ना ज्यादा ही ओदा प्रभाव ज्यादा है। जे चार पांच होर गुंडे बदमाश इहो जिहे नाल रखे हुंदे है तो आप ओनू लीडर बनाउंदे ही ओनू कि जिहदी चंगी बदमाशी चलदी है। अगों फिर साध संगत जी इहो जिहे ओ थिले गुंडे पाल लैंदे है ते पुलिस कोलों तां केवल ओ कर्म इहो जिहा कराउंदे जिहड़ा जनता दे सामने दिसे, ते जिहड़े कोई गलत कर्म उहनां कराउणे हुंदे आ ओह साध संगत जी उहनां ने गुप्त रखे हुंदे। इहो जी हालत है ते प्रतख मीडिया च शो हो जांदा है, पता लग जांदा है। महाराज जी ने एक काजी द्वारा समाज दी बुरी हालत जिहड़ी है सतगुरां जी ने हजूर ने शीशे वांग बाहर कढ के विखाई है। इत्थे तां भाई बड़ियां ठगियां मारदे है पर सोच लो दे सदा नहीं रहणी, ये सलामियां सदा नहीं होनियां, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये बनिया नहीं सदा रहेगा। ते जिहदी साध संगत जी जिहड़े जिन्ने वड्डे लीडर हुंदे आ ना ये वड्डे वड्डे ही धोखेबाज हुंदे आ, आपस दे विच भी किसे दल कोई इन्हां दी जिहड़ी आ ना ओह प्रेम नहीं, कोई सका नहीं एक दूसरे दा, हरेक नूं बस जिन्ना चिर उहदी गुड्डी चढ़ी है ठीक है, नहीं तो ठिब्बी लाउण लग्गिआं इह लिहाज नहीं करदे एक दूसरे दा, वी किसे दे सके नहीं हन। पर महाराज कहिंदे भाई अगे जा के पता लगेगा, हुण तां उह सोचदे आ कि अग्गा वेख्या जाएगा जदों होऊगा। महाराज कहिंदे भाई वेख्या जाएगा पर तख उदों देसी पवेगा, फिर जदों मुंह ते मार पवेगी महाराज कहिंदे भाई कोई छडाउण वाला नहीं होवेगा, फिर पता लगेगा कि मैं इहो जिहा आगू सां। ਇਹ ਜੇ ਆਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰੁਤੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਮਹੀਨੇ ਆ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਛੇ ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਘੜੇ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ ਛੇ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਛੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਆਹ ਜਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
शक्ति बिरती करके लिखिया नहीं जांदा पारा वार तो परे है। पढ़िया मूर्ख आखिया, हजूर कहिंदे उस पढ़े लिखे नूं भाई मूर्ख आखी दा विद्वान बनिया होवे तां वी मूर्ख आखी दा ऐ। जिस लब लोभ अहंकारा, जिन्हों महाराज कहिंदे भाई पदार्थां दे कठे करन दा लब है, पदार्थां दे खान दा लोभ है, ते अपनी पदवी दा हंकार है। महाराज कहिंदे भाई उन्हों पढ़े लिखे नूं की आखीए, मूर्ख आखी दा है। ये सचे पातशाह जी महाराज आखिया। एक साध संगत जी केशवदास पंडित सीगा, ते ओ ना बड़ी माया लै करके विद्वान बहुत ज्यादा सीगा, ते उदा रेट भी बड़ा ज्यादा सी, ते बड़िया बड़िया सुभावां नूं जित लैंदा सीगा। ते एक छोटे अखाड़े वाले जिहड़े कुछ साधु उन्हें इकट्ठे हो करके आख्या पंडित जी चर्चा करवानी है, कहिंदे कोई नहीं कर लांगे। ते किन्नी माया लाओगे, कहन लगा कि 500 लै लांगे। तो वह 500 रुपया लै के लै आए, कहन लगे महाराज पंडित जी बस होर तो कोई नहीं, सानू इस पंक्ति दे अर्थ सुना दिओ। जदों उन्हें कहा केड़ी पंक्ति, ते पंक्ति अगे पढ़ के सुनाई, पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लब लोभ अहंकारा। जदों पंक्ति दे अर्थ कीते बड़ा शर्मिंदा होया। तो साध संगत जी जिहड़ा विद्वान हो जाना ना, बहुत ज्यादा विद्या पढ़ लैनी, ते उहदा माण फिर फुरन लग जांदा है। सचे पातशाह जी महाराज कहिंदे भाई जदों फिर विद्वान जाण करके लोग भी बुलाउंदे आ, बहुत ज्यादा माण करदे, आदर करदे आ, ते पदार्थ भी बड़े चढ़दे आ, क्योंकि विद्या दे करके इउं हुंदा है कि महाराज साडे बच्चे नूं पढ़ाओ, पता लगे कि फलाने विद्वान कोल साडा बच्चा पढ़िया। इउं फिर साध संगत जी जिवें जिवें उह विद्या दा हंकार वधदा है, तिवें तिवें पदार्थां दे कट्टे कट्ठे करन दा लालच वधदा है, ते खाण पीण नूं वी भभूति ओनी ही लागे फिर इकट्ठी हुंदी है। उह फिर इन्ना लोभ हुंदा है रसां कसां दा वी, हजूर कहिंदे भाई उह विद्वान नहीं रह जांदा फिर। महाराज कहिंदे भाई उह मूर्ख हुंदा है। ये सतगुरां जी दे कहे हुए वाक साध संगत जी हन तां लगदे कौड़े पर सच हन। सचे पातशाह जी महाराज जिहड़ी आ हालत दिखाउंदे आ, क्योंकि जिड्डा वड्डा रुतबा आ जावे ना, ओडी वड्डी निम्रता होवे तां बचिया जा सकदा है, नहीं तो बचिया नहीं जांदा। सचे पातशाह ही अहंकार तों बचा लैण, महाराज जी कृपा करके लोभ दी दलदल चों खिच के कढ लैण। मन तां बार बार उधर नूं ही लजांदा है, शब्द दा जाप ही कढ कढ के बाहर लियांदा है। महाराज दी संगत विच कथा सुननी, कथा करनी, निष्काम हो करके, निष्कपट हो करके, यही साध संगत जी साधन बचाउंदे है। नहीं तां महाराज कहिंदे पढ़ी हुई विद्या भी भाई सगों लै डुबदी है, क्योंकि पढ़िया मूर्ख आखी है। महाराज स्पष्ट किया कि उस पढ़े लिखे नूं भाई मूर्ख आखिया जांदा है, जिस नूं पदार्थां दे महाराज कहिंदे कट्ठे करन दा लब वै, ते खाण दा रसा कसां दा लोभ वै, ते अपना महाराज कहिंदे देही दा विद्या दा हंकार चिंबड़िया होया ऐ। नाओ पढ़िया नाओ बुझिया, हजूर कहिंदे भाई नाम दा ही पढ़ाई जिहड़ी आ पढ़ना करिए, ते नाम दा ही सतगुरु जी कहिंदे भाई जिहड़ा है ना ओ सुख बुझना करिए, नाम द्वारा ही अपने स्वरूप नूं हजूर कहिंदे बुझना करिए, जानना करिए। गुरमते विचारा, गुरु जी दी मत सिख्या द्वारा सतगुरु जी कहिंदे विचार करिए भाई कि असीं कौन हां, की करन आए संसार दे अंदर। गुरु जी दी सिख्या द्वारा समझिए कि नाम नूं ही पढ़िए, नाम दी पढ़ाई जिहड़ी है ओ पढ़ना करिए, जिवें भगत प्रहलाद जी ने पढ़ी सीगी, कहिंदे ने मेरे और पढ़न से नहीं काम नहीं काम, कि मेरा होर पढ़न नाल कोई काम नहीं, मेरी पटिया लिख दियो श्री गोपाल, मेरी फट्टी दे उत्ते लिखना ते लिखो श्री गोपाल, परमेश्वर दा नाम लिख दियो, कि मोको कहां पढ़ावस आल जाल, मेनू की पढ़ा रहे हो, कोई पहाड़िया दी पढ़ाई कोई होर विद्या, मेरे और पढ़न से नहीं काम, मेरा होर किसी पढ़ाई दे पढ़न नाल कोई काम नहीं। महाराज कहिंदे भाई गुरु जी दी सिख्या द्वारा नाओ पढ़ी है नाओ बुझी है, नाम नूं ही पढ़िए ते नाम नूं ही बुझिए, समझिए कि नाम तो बिना सब झूठ पसारा है, नाम तो बिना सब
छार हो जाण वालियां चीजा हन। इस गल नूं महाराज कहिंदे गुरु जी दी मत सिख्या द्वारा भाई बुझना करिए जानना करिए। गौर मते नाम धन खटिया, गुरु जी दी मत सिख्या द्वारा जिन्हां ने नाम दे धन नूं खटिया है कमाया है। भगते परे भंडारा, उन्हां कोल महाराज कहिंदे भाई प्रेमा भगती दे भंडारे भरे आ, फिर जिन्हां ने खटिया है इस लाभ नूं गुरु जी दी सिख्या नूं कमाया है, नाम दा धन नाम दी पूंजी कठी कर ली है, ए लाहा खटिया महाराज कहिंदे भगती दे प्रेम दे भंडार उन्हां कोल भरे आ गुरमुखां कोल। निर्मल नाम मन्या, जिन्हां ने निर्मल मन लिया नाम नूं कि नाम निर्मल वै पवित्र है सब मैलां नूं धो देण वाला है। दर सच्चा सच्यारा, हजूर कहिंदे भाई सच्चे दर दे अंदर ओ सच्यार हुंदे आ कबूल पैंदे आ जिन्हां ने निर्मल पवित्र नाम नाल अपनियां मैलां धो दित्तियां ओ सच्चे दरबार सचखंड दे अंदर कबूल पै जांदे सच्यार हुंदे आ। जिस दा जियो प्राण है, ए वाहिगुरु दा जिस दा बख्शी हुई ये जिंद है, एक सूक्ष्म शरीर है, अंदर पंजे प्राण वाहिगुरु दे दिते हुए हन। अंतर ज्योत अपारा, जो पारा वार तो रह ता परमेश्वर ज्योति स्वरूप ओदी ज्योत अंदर प्रकाश रही है, ओदी ज्योत करके महाराज कहिंदे भाई जिंद टिकी हुई है, ओदी ज्योत करके महाराज कहिंदे भाई अंदर प्राण जिहड़े ओह वग रहे हन। सच्चा शाहू इक तों, महाराज को एक सच्चा शाहूकार ता नाम दा तू ही है वाहिगुरु, तेरे कोल ही नाम दा भंडारा है, ए नाम दा महाराज सच्चे पातशाह धन तुहाडे अपने हाथ विच है। होर जगत वणजारा, होर सारे जगत दे जीव जेडे आ ए वणजारे आ खरीदार हन, ए महाराज जेडे तुहाडे कोल जिग्यासु बन करके खरीददे आ अपना तन मन धन वेच करके महाराज खरीददे आ, उन्हां नूं आप सच्चे पातशाह जी ए नाम दा धन गरीब नवाज बख्शिश कर दे हो। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज काजी नूं सतगुरां जी ने उपदेश बख्शिया है, अगला उपदेश भी सतगुरां जी दा जिहड़ा है वह इस्लाम दे साध संगत जी प्रथाएं आवेगा, ते सतगुरु जी एक नूं नहीं कहिंदे महाराज सब संसार नूं ही कहिंदे है, प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहानै। सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने इस सच्चे धन दा नाम धन दा मालक मेरा वाहिगुरु आप है, होर सारे जगत दे जीव वणजारे बन करके खरीदार बन करके व्यापारी बन करके जिहड़े उहदे कोलों खरीददे आ अपना तन मन धन वेच करके उन्हां नूं मेरा वाहिगुरु नाम दी पूंजी दिंदा है, इह सच्चे पातशाह जी महाराज पवित्र उपदेश बख्शिया सतगुरु रहमत करन हुईआं भुल्लां बख्श लैणियां जी। जिस दा जियो प्राण है अंतर ज्योत अपारा, सच्चा शाहो एक तो होर जगत वणजारा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।